फीट बाई 41 फीट हाउस प्लान है, सिंगल बीएच का हाउस प्लान है, साउथ फेसिंग हाउस प्लान, 492 स्क्वायर फीट है। तो इसका रिव्यू आज शेयर करने वाला हूँ आप लोग के साथ। तो यहीं पे मेन डोर देखिए इस तरफ है और स्टेयर जो है यहीं पे प्रोवाइड किया। तो स्टेयर का आप इस तरफ है ऐसा घूम के इस तरफ से आना है, तो पहले आपको स्टेयर रूम मिल जाएगा, उसके बाद यहीं पे आ जाएगा किचन कम लिविंग रूम, किचन कम लिविंग रूम। तो यहीं पे किचन कम लिविंग रूम किस लिए रखा है, जगह शॉर्टेज के लिए यहीं पे इसको अटैच किया है, किचन को ओपन किचन रखा है। तो यहीं पे आपको स्पेस बहुत ही कम लग जाएगा और डाइनिंग हॉल इसके साथ अटैच हो जाएगा। तो और यहीं पे जो टॉयलेट है, टॉयलेट यहीं पे प्रोवाइड किया, यहीं पे टॉयलेट है और बेडरूम, लास्ट में बेडरूम को शिफ्ट कर दिया। तो यहीं पे बेडरूम है, यहीं पे बेडरूम है और बेडरूम के साथ यहीं पे आएगा एक अच्छा सा बैल्कनी, राउंड शेप का बैल्कनी है, यहीं पे बैल्कनी मिल जाएगा आपको। तो यहीं पे 3 फीट का स्टेयर का विड्थ रखा है, चारों तरफ 3 फीट करके है, क्योंकि 12 फीट बाई 41 फीट स्मॉल हाउस प्लान है ये। तो इसका जो साइज रहेगा इधर से तक 10 फीट 10 इंच और इधर से तक 10 फीट 12 इंच। किचन का साइज यहीं पे आ जाएगा 10 फीट 2 इंच बाय इस तरफ 8 फीट और टॉयलेट का साइज 4 फीट 5 इंच और लेंथ जो है 7 फीट 1 इंच, ठीक है। और यहीं पे जो पैसेज है, ये पैसेज आपको 3 फीट का पैसेज मिलेगा। तो बेडरूम का साइज यहीं पे मिलेगा 10 फीट 6 इंच बाय इस तरफ से 12 फीट। तो यहीं पे देखिए यहीं पे जो मेजरमेंट थोड़ी सी मिस्टेक हो गया है, इसको इस तरफ से लगाना है। तो 10 फीट 6 इंच आएगा और ये यहीं पे आ जाएगा 10 फीट 6 इंच। इसका इनर साइज है, इनर वॉल इस तरफ का आपको इस तरफ का मिलेगा। तो यहीं पे देखिए जो कॉलम पोजीशन है, कॉलम पोजीशन ओनली आउटर में कॉलम प्रोवाइड कर दिया, बीच में कॉलम प्रोवाइड करने का कोई जरूरत नहीं है, लेकिन 8 नंबर कॉलम यहीं पे प्रोवाइड करना है। तो ये जो बैल्कनी है, बैल्कनी का साइज 3 फीट 2 इंच और कितना है उसको राउंड शेप में इसको बनाना है। तो अप्रोक्स आ जाएगा इधर से इतना दूर तक 10 फीट 6 इंच आएगा। तो यहीं पे कॉलम पोजीशन देख लिया, ये जो ब्लू करके बॉक्स रखा है यहीं पे आपको कॉलम आएगा। तो कॉलम यहीं पे 9 इंच बाय 9 इंच का प्रोवाइड करना है और यहीं पे आउटर का वॉल 9 इंच का है और इनसाइड का वॉल 5 इंच का रखा है। और यहीं पे जो विंडो है, विंडो यहीं पे W1 जो साइज है 5 फीट बाई 4 फीट है, 5 फीट लेंथ है, 4 फीट विड्थ है। W2 3 फीट बाई 3 फीट है, इसका किचन में प्रोवाइड कर दिया। और बेडरूम में जो विंडो है W1 5 फीट बाई 4 फीट है और जो टॉयलेट का वेंटिलेशन है वो 14 इंच बाई 14 इंच आपको प्रोवाइड करना है। तो मेन डोर का साइज 4 फीट बाई 7 फीट है और टॉयलेट का डोर यहीं पे D2 रखा है, 2.5 फीट बाई 7 फीट का विड्थ रहेगा। और बेडरूम का डोर W1 है जिसका साइज 3 फीट बाई 7 फीट है और बैल्कनी का भी एक छोटा सा डोर लगा देंगे W2 2.5 फीट बाई 7 फीट का। तो यहीं पे देखिए बेडरूम को
बेडरूम का बेड इस तरफ से सेट किया, अपना हिसाब से भी आप सेट कर सकते हैं, ये टॉयलेट है। तो इसका जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है, इसका कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आएगा 6 लाख खरोच यहीं पे आएगा, ये बिल्डिंग बनाने में ओनली ग्राउंड फ्लोर टोटल फिनिशिंग के साथ 6 लाख में आपका बिल्डिंग तैयार हो जाएगा।